गाइस तो आ चुके हम बराउनी स्टेशन। तो आज का हम पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे, यहाँ का पूरा कवर करेंगे एरिया, और यहाँ कितने स्टेशन के पटरियाँ हैं और कितने प्लेटफॉर्म हैं यहाँ हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ। तो ये नम प्लेटफॉर्म है 2 और 3 है, और आगे हम दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। जब तक के लिए तो आ चुके हैं हम बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जो बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BJU, पूर्व मध्य रेलवे की सोनपुर डिवीजन के रेलवे स्टेशन की बरौनी जंक्शन के भारत के बिहार राज्य में बेगूसराय के जिले में बरौनी शहर स्थित है। मैं आपको सामान्य जानकारी दे दूँ तो स्थान है बरौनी बेगूसराय के जिला में बिहार और इंडिया में पड़ता है। तो इसकी ऊँचाई की बात करें तो 48 मीटर 157 फीट की है। तो इसकी मालिक की बात करें तो भारतीय रेलवे मालिक है, द्वारा संचालित किया गया है। तो द्वारा संचालित किया गया है पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। रेखाओं की बात करते हैं तो मकामा बरौनी जंक्शन, कैरोल बरौनी जंक्शन, बरौनी कटिहार सहरसा और पूर्णिया जंक्शन, बरौनी समस्तीपुर सेक्शन के बरौनी गुवाहाटी लाइन, बरौनी गोरखपुर रैलकोस और जयनगर लाइन, बरौनी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर लाइन, बरौनी लखीसराय हावड़ा लाइन और बरौनी पटना लाइन है। तो इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको बरौनी जंक्शन पे 9 प्लेटफॉर्म मिल जाएगी आपको, और पटरिया 15 मिल जाएगी आपको, पटरिया 15 को मिलेगी। और संबंध है हाजीपुर जंक्शन से करौल जंक्शन, पटना जंक्शन निर्माण है। और निर्माण की बात करें तो संरचना प्रकार मानक जमीन पर स्टेट है, और पार्किंग है यहाँ पर, आपको पार्किंग सुविधा भी मिल जाएगा और पहुँच अक्षम उपलब्ध भी है। तो अन्य सूचना की बात करें तो दर्जा कार्यकरण और स्टेशन कोड है BJU, क्षेत्र है पूर्व माध्यमिक रेलवे और प्रभाग है सोनपुर, और इतिहास इसका हम बताते हैं कब खुला था। तो यह खुल गया था 1 मई 1883 193 साल पहले, और विद्युकृत 200A। पूर्व नाम की बात करें तो ईस्ट इंडियन रेलवे। इतिहास पर ध्यान दें तो फरवरी 2012 में भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन विकास निगम के IRC स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी, जो मुजफ्फरपुर जंक्शन के सहित प्रमुख रेलवे स्टेशन के बजट व्यवसाय के लिए रिस्टार सर्फिंग क्षेत्रों में फूड प्लाज्मा और निर्माण। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म नंबर में, और इस साइड है 5 नंबर। तो चल रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल हैं जो IRC रेलवे विभाग की तरफ से स्टॉल लगा हुआ है। ये सब है मोबाइल, आप अगर चार्जर लाए हैं तो। स्थान के विकास के यात्री को सुविधाओं के लिए सुधार के लिए काम करेगा। और सुविधाओं की यहाँ की बात करें तो उपलब्ध प्रमुख सुविधाओं के परिचालन कंप्यूटराइट आरक्षण सुविधा और वाहन पार्किंग, और वाहनों स्टेशन के प्रसिद्ध के प्रवेश करने के लिए अनुमति, और स्टेशन IRCT के ISIT PSC और टेलीफोन और बूथ और शौचालय और चाय की दुकान, फलों और स्टॉल, डेयरी और स्टॉल, भोजन के स्टॉल और बुक स्टॉल भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सुविधा मिल जाएगी। और यहाँ के प्लेटफॉर्म की बात करें तो बरौनी जंक्शन की 9 प्लेटफॉर्म है, जहाँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो को फिर भी बनाया गया है। जो प्लेटफॉर्म है फूड और आपूर्ति और से जुड़े हुए, इसमें से कोई फूड अपरजित इस स्टेशन पे फूड और अपरजित बनाया जाएगा। ट्रेन की बात करें तो बरौनी जंक्शन के पड़ोसी के तत्वों पर विकसित अस्थायी यात्री की ट्रेन के एक्सप्रेस ट्रेनों चलती रहती है। जंक्शन की निकटतम हवाई अड्डे की बात करूं तो पहला नंबर में है लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा पटना, 102 किलोमीटर बरौनी जंक्शन से पड़ेगा, 63 मील। और दूसरी नंबर बात करें तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 147 किलोमीटर जो 91 मील है, जो विद्युत इसका इतिहास की बात करूँ, विद्युत का इतिहास तो कोर रेलवे विद्युतकरण के लिए केंद्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित जानकारी को कोर रेलवे विद्युतकरण के लिए केंद्रीय संगठन। काफ़ी गर्मी है और हम यहाँ पंखा का हवा खा रहे हैं, देख सकते हैं रमटन, क्या हवा है। 1 अप्रैल 2012 को लिया गया था, और पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल के आधिकारिक वेबसाइट भारत सरकार के में से 6 मई 2012 संग्रहित 27 अप्रैल 2012 को लिया गया था। रेलवे स्टेशन विकसित करने के लिए निकाय स्थापित कराया गया टाइम्स ऑफ इंडिया 11 फरवरी 2012 को, मूल्य से 9 दिसंबर 2012 में संग्रहित 27 अप्रैल 2012 को लिया गया था। और स्थानों की सूचित करें तो राज्यों को बावजूद कि जहां कैंप
कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध है। भारतीय रेलवे आधिकारिक वेबसाइट और मूल्य 3 जुलाई 2013 को संग्रहित 1800 अप्रैल 2012 को लिया गया था। बरौनी जंक्शन से 3 मार्च 2016 को संग्रहित किया गया था। 18 अप्रैल 2012 को लिया गया था। बरौनी जंक्शन पर ट्रेन की भारतीय रेलवे जानकारी 18 अप्रैल 2012 को लिया गया था। और बाहरी संबंध की बात करें तो बेगूसराय के जिले में आधारिक वेबसाइट भारतीय राज्य बिहार के एक रेलवे स्टेशन के बारे में यह लेख के आधार पर फीडबैक के विस्तार पर उनकी मदद करेगा। तो ये थी कुछ बेगूसराय के जिले की बरौनी स्टेशन की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेलकम टू गाइस, तो आ चुके हैं ये ब्रिज पे। तो यहाँ पे आपको 2 ब्रिज मिलेगा। तो देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं सबसे लास्ट ब्रिज उधर पे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम आपको वीडियो में सजेस्ट करते हैं। तो भारत के बिहार राज्य में बेगूसराय के ज़िले में ये बरौनी जंक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा में स्टेशन है और ये यहाँ पे पोर्ट प्लेटफॉर्म नंबर भी बहुत यहाँ पे 6, 7, 8 तक है शायद, और हम आपको अच्छे से मेंशन कर देंगे वीडियो में। और यहाँ पे ये बरौनी जंक्शन बहुत लंबा में है और कितना खूबसूरत जगह है यहाँ पे, और बहुत अच्छा हमको यहाँ पे लगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि मार्केट उतना ज़्यादा नहीं है और शोर शराबा यहाँ पे नहीं होता है। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, शांति बहुत अच्छा लगता है मुझे और नेचुरल यहाँ पे बहुत अच्छा है। और देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे बरौनी जंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह का यहाँ का जंक्शन है। और तो अभी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे अक्षय भट्ट राय नगर स्टेशन जो बिदुपुर बाज़ार पड़ता है। तो अभी ट्रेन आ रही है। करने के लिए काम, बरौनी का भ्रमण करते हुए क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक परिसरों का भ्रमण करना शिक्षाप्रद सिद्ध हो सकता है। देश के कुछ सबसे बड़े नामों ने यहां अपने संयंत्र शुरू किए हैं और इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तेल रिफाइनरी और थर्मल प्लांट विशेष रूप से देखने लायक हैं। पहली बार आने वाले आगंतुकों को बरौनी और उसके आसपास करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पड़ोसी मंझौल क्षेत्र में कबर झील एक अद्वितीय मीठे पानी की बैलधनुष झील है जो असंख्य वनस्पतियों और जीवों का घर है। प्रकृति प्रेमी कंवर झील पक्षी अभयारण्य भी जा सकते हैं, जहां हर साल विभिन्न प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी आते हैं। अन्य भारतीय शहरों की तरह बरौनी और उसके आसपास कई पुराने सुंदर मंदिर हैं जो देखने लायक हैं। सिमरिया घाट, जयमंगला मंदिर और नवलखा मंदिर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको समय निकालना चाहिए। इतिहास के शौकीन बेगूसराय संग्रहालय भी जा सकते हैं, जिसमें पाल वंश के समय की कलाकृतियों, मूर्तियों और सिक्कों का संग्रह है। आसपास घूम रहा, बरौनी में ऑटो रिक्शा, स्थानीय बसें और जीप स्थानीय परिवहन के काफी सुलभ और किफायती साधन हैं। वैकल्पिक रूप से आप पटना से एक कार किराए पर ले सकते हैं और इस शहर को देखने के लिए ड्राइव कर सकते हैं। सुरक्षित सफर, अकेले यात्रा करने से बचें, खासकर रात में। गर्मियां यहां कठोर हैं, इसलिए अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। कैसे पहुंचे बरौनी? लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डे पर दैनिक आधार पर लगभग 38 उड़ानें संचालित होती हैं। इंडिगो और एयर इंडिया सबसे लोकप्रिय एयरलाइन ब्रांड हैं जो इस हवाई अड्डे के लिए अक्सर उड़ान भरते हैं। उड़ान के अलावा आप ट्रेन के माध्यम से भी बरौनी पहुंच सकते हैं। बरौनी जंक्शन बरौनी में सबसे लोकप्रिय ट्रेन स्टेशनों में से एक है। औसतन लगभग 100 ट्रेनें दैनिक आधार पर बरौनी से गुजरती हैं। समस्तीपुर से बरौनी, मुजफ्फरपुर से बरौनी, छपरा से बरौनी कुछ हैं। बरौनी के लिए सबसे लोकप्रिय मार्ग क्रमशः 151, 107, 94 साप्ताहिक ट्रेनें हैं। सड़क मार्ग से बरौनी तेघरा, बेगूसराय, लखीसराय से घिरा हुआ है जो क्रमशः 2.74 किलोमीटर, 11.0 किलोमीटर, 21.01 किलोमीटर दूर हैं। लोगों के लिए अपने छोटे सप्ताहांत के ब्रेक की योजना बनाने के लिए ये स्थान आदर्श स्थान है। बरौनी में कहाँ ठहरें? बरौनी में कोई लोकप्रिय होटल उपलब्ध नहीं है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी को राज्य की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित बरौनी एक तेल रिफाइनरी, एक थर्मल पावर स्टेशन और भारत के कुछ औद्योगिक दिग्गजों द्वारा निर्मित अन्य कारखानों का घर है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि शहर में पर्यटकों के लिए कुछ भी नहीं है। बरौनी में और उसके आसपास कई ऐसे स्थल हैं जो राज्य भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां से गुजरने वाले यात्रियों को भी इन स्थलों पर जाने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए। नींद, शांत और शांत, बरौनी एक ऐसा शहर है जो सर्वोत्कृष्ट भारतीय है।